हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त कुबेर गुप्ता आप सबका स्वागत कर रहा हूँ आपका अपने चैनल बॉक्सिंग किंग में। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं आप सबके लिए नई नई वीडियोस लाता रहता हूँ अनबॉक्सिंग से रिलेटेड, और काफ़ी बार मैं शॉपिंग कर चुका हूँ बॉडी बिल्डिंग साइट से और मसल इंस्टेंट से, यूएसए से जो सामान वगैरह मैं मंगाता हूँ, सप्लीमेंट्स जो आपने देखे होंगे। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि लास्ट मैंने कुछ सामान मंगाया था मसल इंस्टेंट साइट से, उस पर मुझे कुछ सैंपल्स मिले थे साइट की तरफ से फ्री। तो आज मैं उन सैंपल की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या क्या वो सैंपल है, फिर हम एक एक करके उनकी अनबॉक्सिंग करेंगे। चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये वो कुछ सैंपल्स हैं जो हमें मसल इंस्टेंट साइट से मिले थे। जैसे कि आपके सामने है द कर्स का प्री वर्कआउट, ये देखिए, ये प्री वर्कआउट का एक सर्विंग है जो मुझे साइट की तरफ से मिला था। ये सेकेंड है हमारा डायमेटाइज का आइसो वे प्रोटीन, आइसो 100 वे प्रोटीन का हमें एक सैंपल मिला था, ये एक सर्विंग का, ये आपके सामने है, ये देखिए। और हमारे इस एक सर्विंग में 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, तो ये हमारा सेकेंड सैंपल हो गया। थर्ड हमें मिलता है मसल टेक की तरफ से अमीनो बिल्ड नेक्स्ट जनरेशन का BCAA, ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक सर्विंग है ये। उसके बाद हमें मिलता है मसल टेक नेटो टेक की तरफ से एक प्रोटीन बार, जिस एक प्रोटीन बार के अंदर हमें शायद कहाँ गया, जी हाँ, 11 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और फिर हमारा मिलता है हमें सैंपल में द रिपर, ये एक फैट बर्नर है प्लस प्री वर्कआउट है ये भी, तो ये भी हमारा एक सर्विंग है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें मिलता है C4 की तरफ से एक्सट्रीम एनर्जी का एक प्री वर्कआउट, सेल्यूकोर C4। तो ये कुछ हमारे सैंपल्स हैं जिसकी आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे। तो ये प्री वर्कआउट हमारे पास काफ़ी सारे हैं, 1, 2, 3 हमारे पास प्री वर्कआउट हैं, तो इतने सारे तो हम एक साथ कर नहीं सकते बिकॉज सबको हमें कंज्यूम करना पड़ेगा, तो इसलिए हम किसी एक का ही करेंगे। तो मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ द कर्स का, ये आपके सामने है, ये फ्लेवर है हमारा ग्रीन एप्पल। इस प्री वर्कआउट को हम अभी अनबॉक्स करेंगे, उसके बाद हम अपने अमीनो में यूज़ करेंगे ये मसल टैक, और वे प्रोटीन हम लेंगे डायमेटाइज का, उसके बाद हम साथ में प्रोटीन बार भी ऐड करने वाले हैं अपना। तो ये चार सैंपल्स हैं जिनके हम अनबॉक्सिंग करेंगे, और मिक्सिबिलिटी वगैरह मैं आपको सब अभी शो करने वाला हूँ। अभी ये जो सैंपल्स हैं इनको हम साइड में रख देते हैं, तो चलिए हम अपनी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबने देखा हमारे पास जो सैंपल्स हैं अभी हम उनकी अनबॉक्सिंग करेंगे, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्री वर्कआउट जो है मैं अपने जिम में बैठा हूँ इस टाइम, जी हाँ। तो ये देखिए आप, अभी हम प्री वर्कआउट को ओपन करेंगे और मैं बताता हूँ आपको साथ में, ये द कर्स है हमारा ग्रीन एप्पल फ्लेवर में, इसको हमने यहाँ से खोल लिया है। और खोलने के बाद मैं आपको बताना चाहता था कि प्री वर्कआउट लेने से पहले आप हमेशा जिम आने से पहले 1 घंटे पहले आप सबसे पहले तो एक एप्पल खाएं, उसके बाद उसके आधे घंटे बाद आप एक प्री वर्कआउट लें, जिसको थकान होती है काफ़ी और वर्कआउट करने में मन नहीं लगता, काफ़ी थकते रहते हैं, ठीक है, वो प्री वर्कआउट लें। तो आज जिम आने से आधे घंटे पहले आप प्री वर्कआउट लें हमेशा, इसमें हम पानी मिक्स करते हैं, तो ये देखिए वाटर डालते ही इसने अपना कलर दिखाना चालू कर दिया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये इसका फ्लेवर ग्रीन एप्पल है, तो ये जाहिर सी बात है ग्रीन हो चुका है। कुछ इस तरीके का है हमारा प्री वर्कआउट, ठीक है। अभी मैं इसको चेक करके बताता हूँ, इसको बताऊंगा कैसा है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर है इसका, बहुत ही मीठा है। तो उसके बाद हम अनबॉक्सिंग करेंगे अपना अमीनो का, इसका मैं खत्म कर ले रहा हूँ जल्दी से। ये हो गया हमारा प्री वर्कआउट, आधे घंटे लगेगा इसको बॉडी को सेट होने में, आधे घंटे के अंदर ही अपना पूरा असर दिखा देगा, बहुत ही अच्छा एनर्जी देता है प्री वर्कआउट। और गर्ल्स का नाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है मार्केट में, सेकेंड है हमारा BCAA, क्योंकि प्री वर्कआउट अपना हमेशा वर्कआउट से पहले दिया जाता है, और BCAA हमेशा इंट्रा वर्कआउट लेते हैं। इंट्रा वर्कआउट मीन्स वर्कआउट के बीच में। तो अभी हम इसको ओपन करने वाले हैं, ये देखिए मसल टेक का अमीनो बिल्ड हमने ओपन कर लिया है, और ये जो है इसका, ये हम इसमें डालेंगे। मैंने पूरा इसमें डाल दिया है, और इसका जो हमारा फ्लेवर था वो फ्रूट पंच था, दोस्तों
अभी हम इसमें वाटर टेस्ट करने वाले हैं। अब BCAA जो हमें इंटर वर्कआउट यूज करना पड़ता है तो हम इसको इतना देंगे कि हम पूरे वर्कआउट के बीच में से यूज कर सकें सिप सिप करके, तो हम इसमें इतना पानी लेंगे। ओके जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये फ्रूट पंच था तो ये रेड कलर के कुछ फ्रूट जूस की तरह हो गया है, मिक्स फ्रूट जूस की तरह। अब मैं अपना वर्कआउट स्टार्ट करूंगा और इसको हम अपने वर्कआउट के बीच में लेते रहेंगे। उसके बाद मैं आपको वे प्रोटीन कंज्यूम करके दिखाऊंगा। ये हमारे दो सैंपल्स हो चुके हैं, वे प्रोटीन और हमारा प्रोटीन बार। इसको हम वर्कआउट के बाद में हम अपना आपको दिखाएंगे। तो मैं अपना वर्कआउट स्टार्ट। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं वर्कआउट मेरा खत्म हो चुका है। आप देख लीजिए पंप कितना अच्छा आ रहा है। ठीक है, तो प्री वर्कआउट लिया था हमने सबसे पहले। प्री वर्कआउट इसलिए होता है ताकि जिसको कमजोरी आती है वर्कआउट से पहले वो प्री वर्कआउट ले सकता है। जरूरी नहीं है आप कॉफी लेके भी काम कर सकते हो, बट प्री वर्कआउट का एक असर अलग ही होता है। तो प्री वर्कआउट हमने लिया था वर्कआउट से पहले। उसके बाद लिया था हमने BCAA अपना, जो हमारा अमीनो बिल्ड था वो देखिए कुछ इस कलर का था हमारा अमीनो बिल्ड। कुछ ये इतना मैंने बचा दिया आपको दिखाने के लिए, बाकी मैं पी चुका हूँ। अब वक्त है हमारा, क्योंकि वर्कआउट हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अमीनो जो होता है वो हमारा इसलिए होता है ताकि वर्कआउट के बीच में जो हमारी मसल्स ब्रेक होती हैं वो रिकवर होती रहे हाथों हाथ। जी हाँ, और जो हमारा वे प्रोटीन रहता है वो वर्कआउट के बाद के लिए रहता है ताकि हमें बाद के लिए जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की वो हमें मिलती रहे। तो अब हम अपना प्रोटीन लेने जा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा दूँगा इसे। हाँ, तो ये हमारा प्रोटीन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ डायबिटाइज का जो मैंने आपको दिखाया था। अभी हम इसको ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये हमने पैकेट अपना खोल लिया है। ओके, ये हमारा फ्लेवर है और ब्राउनी, फ्यूज ब्राउनी, ये देख सकते हैं। तो ये हमारा सिस्टम खाली हो गया। ठीक है, अभी हम इसको पलटते हैं इसमें। ये हमारा एक सर्विंग था और एक सर्विंग में हमें 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है और शायद कुछ मात्रा में मुझे लगता है BCAA भी जरूर होगा, बिकॉज आजकल के जो प्रोटीन रहते हैं उसमें BCAA पहले से अवेलेबल होता है। ठीक है, ताकि मसल हमारी अच्छी रिकवर हो सके। 32 ग्राम की सर्विंग थी, अगर आप बॉक्स लेते हैं तो 32 ग्राम की सर्विंग लेगी और पता नहीं कितनी सर्विंग उसमें होंगी, शायद 70 और 80 के बीच में हो सकती है। ठीक है, ये हमने इसमें पलट लिया है। ठीक है, अभी हम इसमें वाटर मिलाते हैं। तो पानी मिलाने के बाद पानी डालेंगे इसमें। ओके, अभी हम इसको सेक करते हैं, इतने में अपने BCAA खत्म कर लेंगे। दोस्तों मैंने इसको थोड़ा सा शेक किया है और बहुत ही थिक इसका शेक बना है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये आप देख सकते हैं, देखिए कितना गाढ़ा है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा प्रोटीन शेक बनके तैयार हो चुका है। ठीक है, फ्लेवर इसका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ये हमारा प्रोटीन हो गया। अभी हम इसको खत्म करते हैं, फिर मैं आपको प्रोटीन शेक प्रोटीन बार जो है वो खुल के दिखाता हूँ कैसी होती है। तो दोस्तों प्रोटीन शेक हमारा हो चुका है खत्म। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा प्रोटीन बार। ये हमारे पास है मसल टाइप की, नाइट्रो टाइप की प्रोटीन बार। ठीक है, 11 ग्राम इसमें प्रोटीन है। अभी मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ। ठीक है, ये फ्रिज में रखी थी अभी काफी देर से, मैंने इतना वर्कआउट के लिए जिम में बाहर थी वो ये थोड़ी सी निकल गई है कुछ इस तरीके से दिखने में, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी है, काफी सारे इसमें कॉफी वॉफी से लगी हुई, अच्छी है, बहुत अच्छी है, टेस्ट काफी अच्छा है इसका। तो दोस्तों ये थी हमारी अनबॉक्सिंग कुछ सैंपल्स की। तो मैं आपको बताना चाहता था, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी और भी वीडियोस हैं ऐसी अच्छी अच्छी अनबॉक्सिंग जो आप चेक कर सकते हैं।
और अच्छी अच्छी वीडियो मैं लाता रहूंगा। तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और मैं आपको बताना चाहता था कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर डालूंगा, अगर किसी भी मेरे दोस्त को किसी भाई को जेन्युइन सप्लीमेंट चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और सप्लीमेंट आपको बिल मिलेगा, बिल्कुल जेन्युइन मिलेगा और जगह से कम प्राइस में मिलेगा। तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और प्लीज वो रेड कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।